हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अमर ड्रीम न्यू चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपके कहने पे, आपकी चाहत के अनुसार जो ये आपका फेवरेट मैच वेस्ट इंडीज़ वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, इसके लिए मैं ग्रैंड लीग की वीडियो लेके आ गया हूँ। और स्मॉल लीग में आप 100% विन करने वाले हैं। वुमेन्स के मैच में मैं बहुत कामयाब रहा हूँ। आप मेरा पिछला यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमारी टीम रहने वाली है। पिछले मैच में परफॉर्मेंस क्या रहा प्लेयरों का, सब कुछ डीपली एनालिसिस होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से टीम की बात करें तो हम यहाँ से जो विकेट कीपर सेक्शन में है, सारा टेलर है और एमी जोन्स ने। एमी जोन्स पहले मैच में शानदार अर्धशतक मारा था इन्होंने। सारा टेलर पहले मैच में फ्लॉप हो गई थी और दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन यहाँ से विकेट कीपिंग करती हुई आपको सारा टेलर दिखेगी और एमी जोन्स आपको सिर्फ ओपनिंग करती हुई दिखेगी। सारा टेलर आपको वन डाउन पर खेलती हुई नज़र आएगी। यहाँ से फ्रेंड, केसी नाइट अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली है क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। और यहाँ से आपके पास बैटिंग सेक्शन में हीदर नाइट को लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी प्लेयर है, कैप्टन है और गेंदबाजी भी करती है। टैमी बेमनेंट पिछले मैच में शानदार 50 की है, इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए थोड़ी सीरीज की ऑप्शन रह सकती है। बात करें यहाँ से क्योशन नाइट, कैंपबल और ब्रिटनी के ऊपर, तीनों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गेंदबाजी में करती नहीं है और बॉलिंग भी बहुत ही वीक है, ये काफ़ी वीक है बॉलिंग के अगेंस्ट। चेंदियन नेशन फ्रेंड, यहाँ से अच्छी ऑप्शन रहने वाली है क्योंकि बॉलिंग भी डालती है। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ से स्टेफनी टेलर और हाइले मैथ्यूज अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। नेटाली सीवर को फ्रेंड इसी कारण यहाँ से निकाला हूँ क्योंकि यहाँ से क्रेडिट इशू बहुत है। अगर वेस्ट इंडीज़ की वोमेन पहले खेलती है तो यहाँ से इंग्लैंड की वोमेन में नेटालिया सीवर की बारी खेलने की आ नहीं सकती और गेंदबाजी भी सिर्फ 4 या 5 ओवर डालती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तभी इनको ड्रॉप किया हूँ। जेनिगन फ्रेंड्स खेल नहीं रही है, तो यहाँ से चिन्ले हेनरी आपके पास अच्छी ऑप्शन रह सकती है, लेकिन चिन्ले हेनरी को मैं यहाँ से टीम में नहीं रखा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो फ्रेंड, यहाँ से एफी फ्लेचर बहुत अच्छी ऑप्शन है। कैथरीन ब्रंट, अन्य अशरफ सोले पिछले मैच में शानदार बैटिंग भी की कैथरीन ब्रंट ने पहले मैच में, और अन्य अशरफ सोले ने दूसरे मैच में बहुत शानदार छक्के भी मारे हैं इन्होंने। और सोफली एक्लिस्टन ने इनिंग की लास्ट बॉल में पिछले मैच में शानदार सिक्स मारा था और स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छी करती है। कैथी क्रॉस भी बहुत शानदार है फॉर्म में। यहाँ से आप कैथी क्रॉस की जगह लॉरा मार्क्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जैसे आपका मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से 45% लोगों ने लॉरा मार्क्स को टीम में रखा है, तो यहाँ से कैथी क्रॉस को मात्र 46 ने, तो आपके यहाँ से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो लॉरा मार्क्स को अपनी टीम में ट्राई करिए। यहाँ से टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से रहने वाला है आपका। यहाँ से हम पूरे 40 के 40 ओवर कवर करने जा रहे हैं इंग्लैंड की वुमेन की टीम की। और हीदर नाइट भी यहाँ से आपको 4 या 5 ओवर करती हुई दिखेगी, तो मतलब कि आप 45 ओवर वेस्ट इंडीज़ की वुमेन के का ऑल आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 45 ओवर यहाँ से इनका कवर हो गया है इंग्लैंड की वुमेन की टीम का। अगर यहाँ से इंग्लैंड की वुमेन पहले बल्लेबाजी करती है तब भी 10-10 ओवर ये तीनों गेंदबाज डालती है, स्टेफनी टेलर, हाइल मैथ्यूज और फिर अच्छा, तो 30 ओवर इनका कवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैप्टन के लिए हम यहाँ से जो ऑप्शन बचती है वो है हीदर नाइट की, एमी जोन्स की और हाइल मैथ्यूज, और तीन ऑप्शन फ्रेंड्स आपके पास यहाँ कैप्टन की है। आप तीनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन की जो बेस्ट ऑप्शन रहती है वो रहती है आपके पास स्टेफनी टेलर की, और फ्रेंड्स यहाँ से रहती है जो वाई, और आपके पास वाइस कैप्टन की ऑप्शन है टिमी ब्योमनेंट, भी एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि पिछले मैच में शानदार बैटिंग की है। तो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ से कुछ कैप्टन और वाइस कैप्टन की ऑप्शन। फ्रेंड्स, इस मैच में अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो कैप्टन आप यहाँ से एमी जोन्स को रखिए और वाइस कैप्टन आप यहाँ से हाइले मैथ्यूज या स्टेफनी टेलर को ट्राई कीजिए, 100% आप विन करोगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।